धामपुर क्षेत्र में आबादी में गुलदार के दिखने से लोगों में बना दहशत का माहौल। जनपद बिजनौर के धामपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत आबादी में दिखा गुलदार, लोगों में दहशत का हुआ माहौल। गौशाला की दो गायों को गुलदार ने बनाया था निवाला। गुलदार की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने लगाए CCTV कैमरे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के धामपुर वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत शक्तिनगर कॉलोनी की दीवार पर गुलदार को बैठे देखा गया, जिसकी वीडियो राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद कर ली थी। आबादी के नज़दीक गुलदार के दिखाई देने से जहां ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वहीं गुलदार द्वारा वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत गौशाला की दो गायों को भी निवाला बनाया जा चुका है, जिसकी सूचना पर आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था और वन प्रभाग क्षेत्र के अधिकारियों ने गुलदार को पकड़ने व लोकेशन के लिए CCTV कैमरे और पिंजरे भी लगा रखे हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी गोविंद राम गंगवार ने बताया कि गुलदार को CCTV कैमरे व पिंजरे लगाकर पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए जनसंवाद की यह रिपोर्ट। गुलदार की आमद हुई है, क्या क्या व्यवस्था की है विभाग की तरफ से, क्या कार्रवाई? ये एक गांव है शेरकोट के नज़दीक में, तो शायद उसका नाम है मुस्तफापुर तैयब। वहाँ पर अभी दो चार दिन पहले लगातार एक दिन एक गाय चुंग रही थी रास्ते में, वो गौशाला की थी, उसको उसने अटैक कर दिया और एक दूसरे दिन को फिर उसने अटैक कर दिया उस पर। फिर प्रशासन को पता चली, हम लोग भी गए वहाँ पर, SDM साहब भी गए थे जो वर्तमान में हैं, BDO साहब भी गए। फिर वहाँ पर उन्होंने जो है मोटी जाली लेकर के उस पर तारवाड़ कर रखी, घेर में रखा रखा है। हमने वहाँ पर जो है CCTV कैमरे लगा रखे हैं वहाँ पर। अब तक कोई ना, ऐसा था कि वो जब अंधेरा था उस समय, तब तो उसकी जो है कुछ लोकेशन मान पड़ रही थी आया, मगर उन्होंने अब उजाला कर रखा है उस पर, वो लगा रखी हैं लाइटें और पास, और वहाँ पर जितने भी जो जंगल टाइप था एरिया था वहाँ पर जंगल टाइप, उसका JCB लगा कर सब साफ कर दिया वहाँ पर, एकदम उजाला रहने लगा। तो उसमें से व्यक्ति को तो किसी को कोई ना ना व्यक्ति को किसी को कुछ नहीं करने के बाद, वो भी पशुशाला की गाय थी, वो चुंगते चुंगते थोड़ा सा नीचे को पहुँच गई थी, हाँ उन्हीं पर अटैक करा था। अंदर पशुशाला में जो गाय बनी थी उसको उस पर अटैक नहीं करा था उन्होंने। कोई लोकेशन नहीं मिली? हाँ कोई लोकेशन नहीं मिली। वो कैमरा जो है, वैसे आज वहाँ डॉक्टर अनिल पटेल हैं, अनिल पटेल नहीं अनिल कुमार चौधरी हैं शायद, तो उन्होंने कहा साहब लोकेशन तो कोई आ रही नहीं, साहब अगर आप कैमरा चाहो तो खोल के ले जाओ। तो हमने साहब एक आध दिन और लगे रहने थे उसके लिए, उसके बाद में खोल लेंगे। तो उस दिन से कोई लोग नहीं हुई।